हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल मौर्य और स्वागत करता हूं आपको मिस्टर ऑटो के एक फ्रेश वीडियो में। तो आज हम आए हैं सिट्रॉन, जो कि पड़ता है आपको फैजाबाद रोड पे, इनका नया आउटलेट है। ये कि सिट्रॉन कंपनी है, ये हमारी फ्रेंच कंपनी है जो कि हमारा डेब्यू कर चुकी है अभी हमारे इंडियन मार्केट के अंदर। और ये अपने दो गाड़ियों के साथ अपनी आती है, C5 और C3। तो हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं अपने C3 वर्जन का और बताएंगे आपको कि C3 में ऐसा क्या खास मिलता है और क्या ये हैचबैक की सिचुएशन में लोग अपना धूम मचा पाएगी कि नहीं मचा पाएगी। तो हम आज आपके सामने लेकर आए हैं C3 का सिंगल टोन वेरिएंट। और ये आपके सामने जो वेरिएंट खड़ा है, ये फील वेरिएंट है। फील वेरिएंट मतलब इनके दो वेरिएंट आते हैं, सिट्रॉन C3 में आपके दो वेरिएंट पाए जाते हैं, जो कि आपका C3 फील वेरिएंट एंड C3 लिव वेरिएंट। ठीक है, लिव वेरिएंट आपको कह सकते हैं एक तरीके का बेस वेरिएंट है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो इंडिया में सिट्रॉन ने अपनी प्राइसिंग जो बहुत ही कॉम्पिटेटिव रखी है, जो कि ऑन रोड अगर मैं बात करूँ तो 6,80,000 से लेकर आपके 9,30,000 तक की प्राइसिंग इसकी जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं आज इस C3 के वेरिएंट के बारे में। और C3 के वेरिएंट में आप सामने के आपको आउटर लुक के बारे में जानकारी दूं अगर मैं, और ये क्यों आप अपने कंपटीशन से आगे थोड़ा निकलने की कोशिश कर सकती है और कंपटीशन को थोड़ा हार्ड बना सकती है। बिकॉज आप सामने से आप देखते हैं इसकी, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बड़ी सी यहाँ पे C3 की एक यहाँ पे क्या मिल जाती है, क्रोम की ग्रिल मिलने वाली है, जो कि आपको इसका थोड़ा एक यूनिक लुक प्रोवाइड जरूर करेगी। की जाए कुछ इसके हेडलैम्प्स की, तो हेडलैम्प्स को आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको लुक प्रोवाइड करेंगे और थोड़ा सा एग्रेसिव लुक भी आपको देंगे। आप हेडलैम्प्स को देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डे टाइम रनिंग लैम्प्स जो कि आपके नीचे तक यहाँ पे कंटिन्यू हो जाते हैं। इसी में आपको प्लेस किया गया है यहाँ पे इंडिकेटर आपको शायद हैलोजन बेस मिल जाते हैं, और उसी के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है रिफ्लेक्टर बेस हेडलैम्प। तो आपने जैसे हेडलाइट के नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाने हैं फॉग लैम्प की प्लेसमेंट। आप यहाँ से कंपनी से या बाहर से कहीं से भी फिटमेंट इसकी करवा सकते हैं। आप नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाती है एक सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइड आपको लुक देने वाली है। यहाँ पर अब जितना भी इसमें क्रोम इंसर्ट देखने को आपको मिल रहा है, अब ये सारा का सारा क्रोम इंसर्ट आपका ज़्यादा है सब एक्सेसरीज़ का पार्ट है। अब मैं इसके एक्सेसरीज़ के बारे में भी आगे जाके बात करूँगा। आप देख सकते हैं इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा वाइड लुक आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसकी कुछ डायमेंशंस की बात करूं तो ये गाड़ी आपको मिल जाती है लेंथ 3981 mm की लेंथ के साथ में। इसके विथ की अगर बात की जाए तो 1733 mm की आपको विथ मिलती है। हाइट आपकी इसकी है जो 1586 mm की हाइट है। एंड अगर इसका व्हील बेस देखते हैं आप, व्हील बेस इसका आपको 25-40 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जो कि एक हैचबैक कार में थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि आपको अच्छे से रफ रोड में भी टेरेन में भी चलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साइड प्रोफाइल अगर देखते हैं तो साइड प्रोफाइल आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। इसमें इंडिकेटर की प्लेसमेंट जो आपको इसमें गाड़ी में प्रोवाइड की गई है, वो आपके यहाँ पे फेंडर्स पे ही दी गई है। क्रोम की गार्निशिंग जो दी गई है वो आपका एक्सेसरीज़ का पार्ट है, वो भी हम बाद में कवर करेंगे। आप इसके साइड में इसके ब्लैक कलर की क्लैडिंग भी देख सकते हैं, जो कि ऑल ओवर द कार लास्ट तक चली जाती है। आप यहाँ पर भी एक्सेसरीज़ को देख रहे हैं, एक्सेसरीज़ का ही पार्ट है आपका। और यहाँ पे आपको जो क्रोम हैंडल्स देखने मिल रहा है, ये क्रोम हैंडल्स में अवेलेबल नहीं है। हैंडल्स जिसमें अवेलेबल होते हैं वो आपके बॉडी कलर्ड ही होते हैं, ये भी एक आपके एक्सेसरीज का ही पार्ट है आपका। ORB हम देखें तो ORB आपको यहाँ पे डुअल टोन मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ आपको, ऊपर की तरफ आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा और नीचे की तरफ आपको मैट ब्लैक में देखने को मिल जाएगा। इसके पूरी रूफ को देख सकते हैं तो ऊपर की तरफ आपको इस कार के अंदर रूफ रेल भी मिल जाती है। अब इतना बता दूं कि रूफ रेल इसकी बेस मॉडल से ही शुरू हो जाती हैं, जो कि एक तरीके से कार को बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील देती हैं। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर रेन वाइजर देखते हैं और ये भी आपका इसकी एक्सेसरीज़ का ही पार्ट है। अगर मैं एक्सेसरीज़ के यहाँ पे बात करूँगा तो आपको एक्सेसरीज़ के लिए आपको एक लिस्ट दे दूँगा, जो कि आपको दी गई है कि आपको कितना एक्सेसरीज़ के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेसरीज़ को। चलिए हम आते हैं पीछे की तरफ में और आपको दिखाते हैं कार का कुछ बैक लुक। अगर आप इसकी बैक लाइट को देखते हैं तो बैक लाइट आपको इसमें LED शेप में कुछ मिल जाती हैं, लेकिन इसमें LED बेस नहीं यूज़ किया गया है, इसमें सिंपली यूज़ किया गया है हैलोजन बल्ब्स को। यहाँ पे आपको C3 की एक बैजिंग मिल जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी क्रोम की गार्निशिंग की गई है, और ये क्रोम की गार्निशिंग जो है वो आपका एक्सेसरीज़ का ही पार्ट है। यहाँ पर आपको बीच में सेंटर की तरफ आपको मिल जाता है सिट्रॉन का एक सिंबल, और उसी के नीचे यहाँ पर सिट्रॉन की बैजिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है बम्पर, जो कि आपको यहाँ पर सिल्वर कलर की स्किड प्लेट के साथ में देखने को मिलेगा। और साइड में यहाँ पर रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट भी दी गई है। ये कार आपको मिल जाती है दो रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ में आपको मिल जाती है, और यहाँ पे भी नीचे आपको रिफ्लेक्टर के साथ भी क्रोम की गार्निश की गई है। चलिए अब ऊपर इसके रूफ को देख सकते हैं, किसी भी तरीके का शार्पिंग एंटीना इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। और अब रूफ को देख सकते हैं तो ये रूफ बहुत ही ज़्यादा टेपर्ड फील होगी आपको, और जो कि ये आप कार को एरोडायनेमिक देने का कोशिश किया गया है। तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ग्लास के ऊपर किसी भी तरीके का वाइपर या डिफॉगर आपकी प्लेसमेंट नहीं मिल जाती है। ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाता है हाई स्टॉप लैम्प मिलता है। अब बात किया जाए उस गाड़ी के कुछ फीचर्स के बारे में, तो गाड़ी आपको मिलती है ABS EBD
और डुअल ईयर बैग के साथ आपको मिल जाती है। साथ साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको जो इसमें मिलता है वो आपका लिव एंड फील मॉडल दोनों में ही आपको प्रोवाइड किया गया है। मतलब कि आपको बेस मॉडल से ही आपको कितना मतलब 10 इंच का अपने हाथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है और बाकी फीचर्स जो हैं इस गाड़ी से रिलेटेड वो आपको स्क्रीन पे इसमें फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। सीटोन C3 आपको मिलने वाला है आपको 4 करोड़ ऑप्शन में। तो सबसे पहले आप मेरी तरफ पीछे की तरफ आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाता है आपका प्लैटिनम ग्रे मॉडल और इसी के साथ आपको पीछे इसके पीछे आपको मॉडल जो दिखने मिलेगा वो आपको मिलेगा स्टील ग्रे एंड दिस कलर इज कॉल्ड स्टैंजी ऑरेंज जो कि बहुत ही ज़्यादा चटक कलर का कलर आपको फील होने वाला है। अगर आप इसके एक और कलर की बात करें तो इसमें आपको एक पोलर वाइट कलर भी मिल जाता है। चलिए आप कार के हम कुछ इंजन स्पेक्स के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि हम कार का इंजन कैसा प्रोवाइड किया गया है। सो कार के बोनट को आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थिकनेस के साथ आपको प्रोवाइड हो जाता है और साथ में आपको यहाँ पे इंसुलेशन भी प्रोवाइड किया गया है। अब कार के आप इंजन को देख सकते हैं तो यहाँ पे कार का इंजन बहुत ही नीटली प्लेस किया गया है। कार के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो आपको इसके कार के अंदर मिल जाता है 1200 cc का 3 सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 80 bhp की पावर, 115 Nm का टॉर्क और इस गाड़ी में आपको एक टर्बो वेरिएंट का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि 1200 cc का इंजन 3 सिलेंडर की पावर इंजन है जो कि 109 bhp की पावर 190 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो हमारे सिट्रॉन कंपनी क्लेम करती है इस कंपनी कार का माइलेज 19.8 केम्पल का माइलेज हमारे नॉर्मल इंजन वेरिएंट के साथ में और अगर इसका टर्बो वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इसमें मिल जाता है 19.4 केम्पल का माइलेज, ठीक है, जो कि एक देखा जाए कार का अच्छा माइलेज क्लेम कर रही है गाड़ी को। तो चलिए हम बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में कुछ और आपको बताते हैं क्या क्या कार में कुछ खास दिया गया इंटीरियर में। सिट्रॉन में आपको कुछ मिल जाती हैं ऐसी कुछ कार कीज़ जिसमें आपको सिर्फ अनलॉक एंड लॉक का ऑप्शन ही मिल जाता है। चलिए हम इस कार को अनलॉक करते हैं और चलते हैं गाड़ी के अंदर तो आपको देखें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं डोर गार्ड आपको मिल जाता है, डोर गार्ड भी इसका एक्सेसरीज का ही पार्ट है। चलिए एंटर करते हैं इसके अंदर। सो आपके सामने यहाँ पर देखने मिलेगा इसका कार का बहुत ही वाइड डोर जो कि आप देख सकते हैं कि डुअल टोन में देखने को मिलेगा बेज और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ साथ। तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर मिलने वाला है ORVM के कंट्रोल जिसके से आप यहाँ पर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल या इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल नहीं मिलने वाला, आपको मैनुअली करने वाला कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है डोर ओपनर जो कि सिल्वर कलर में देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ऑल 4 विंडोज़ पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंट्रोल मिलने वाले हैं और पीछे आपको मिलने वाले हैं बाकी के 2 कंट्रोल्स में। तो नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर डिसेंट साइज़ की स्पेस दी गई है, किसी भी तरीके का कोई बॉटल होल्डर यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। अगर स्पीकर की बात करूँ तो यहाँ पे इस वेरिएंट के साथ में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का प्लेसमेंट मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। आप गाड़ी का कुछ इंटीरियर देख सकते हैं कि जो कि बहुत ही अच्छा फील देगा, आपको अच्छा लगेगा देखने के अंदर। आप गाड़ी के यहाँ पे सीट भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे स्किप प्लेट भी मिल जाती है जो कि सीट्रॉन की एक्सेसरीज़ का ही पार्ट है। अगर इसकी सीट की बात करूँ तो सीटों पे भी क्या हुआ, एक कवरिंग लगाई के सीट कवर आपको दिए गए हैं जो कि आपके इसकी एक्सेसरीज़ का ही पार्ट है एंड साथ साथ में आप देख सकते हैं एक सीट इसकी हाइट एडजस्टेबल है। तो भाई इस प्राइस रेंज में सीट हाइट एडजस्टेबल देना बहुत ही अच्छी बात है, गाड़ी का अच्छा इनिशिएटिव कर रही है, इससे गाड़ी की सेल्स और भी शायद बढ़ सकती हैं। चलिए अब एंटर करते हैं गाड़ी के अंदर और आपको बताता हूँ इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स और भी दिए गए हैं। सो दोस्तों हम अंडर कर चुके हैं इस गाड़ी के अंदर, आपको हम बताने जा रहे हैं कि गाड़ी में क्या क्या और फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। सो आप सबसे पहले आप इसके इंटीरियर को देख सकते हैं जो कि आपका डुअल कलर में देखने को मिलेगा, ऑरेंज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। एक कार बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है और प्यारी लगती है गाड़ी में। अगर आप इसके राइट साइड में देखें, स्टेयरिंग के राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए हैं जो कि अगेन यहाँ पे बताऊँगा कि ऑरेंज कलर का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है। सो आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं आपके सारे डोर्स को लॉक करने के लिए, विंडो को लॉक करने के, और यहाँ पर आपको हेडलाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। आपके स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स के प्लेसमेंट और आपके यहाँ पे लाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं और लेफ्ट की तरफ आपको मिल जाते हैं यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स में, ठीक है। अगर इसके आप स्टेयरिंग को देखते हैं तो स्टेयरिंग बहुत ही आपका कंफर्टेबल फील होगा आपको, यहाँ पे सॉफ्ट में सॉफ्ट टच के साथ स्टेयरिंग मिल जाता है। किसी भी तरीके का यहाँ पर लेदर रैप या बोलेंगे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी गई हैं। कंट्रोल्स की बात करें तो कंट्रोल पे स्टेयरिंग पे सिर्फ आपको स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के ही कंट्रोल्स मिलने वाले हैं और ये स्टेयरिंग आपको डी कट के साथ में मिलने वाला है। स्टेयरिंग व्हील अच्छा है, छोटा सा साइज़ का है लेकिन अच्छा लगता है। कार के अंदर आपको मिल जाती है फुली डिजिटल में MID मिल जाती है, सीट से लेकर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाने वाली है। अगर मैं इसके कंट्रोल्स की बात करूँ तो MID के सारे कंट्रोल आपको MID पे ही मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको स्टिक की मदद से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें टोटल 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है जो कि भाई बेस मॉडल से आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है आपका एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, दोनों के साथ ही आता है। अगर आप इसके नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स दिए गए हैं। AC वेंट्स में भी आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगा जो कि इस कार को प्रीमियम फील देने का
टच जरूर करता है। नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे एसी के कंट्रोल, किसी भी तरीके के ऑटोमेटिक कंट्रोल इसमें नहीं मिलने वाले हैं। और उसी के नीचे आपको हैजार्ड लाइट एंड यहाँ पे आपको एक यूएसबी सॉकेट भी दिया गया है और 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। उसके नीचे आपको कुछ डिसेंट साइज़ की स्पेस मिल जाती है जिसके अंदर आपको चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं और स्पेस अच्छी खासी इस कार के अंदर प्रोवाइड की गई है। आपके देखें यहाँ पे आपको कप होल्डर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, दो कप होल्डर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है और उसी के साथ आपको यहाँ पे एक गियर लीवर मिल जाता है जो कि एक ब्रॉड और हाथों में ग्रैप करने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी सिल्वर कलर की आपको फिनिशिंग दी गई है। उसी के नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक के पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है पीछे की विंडोज़ के लिए कंट्रोल। अब यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके आपको हैंडरेस्ट नहीं दिया गया है। अगर कार की बात करूँ तो कार में आपको इस साइड में आपको ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है ORVM जो कि बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं है किसी भी तरीके से। एंड अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपको मिल जाता है कैबिन लाइट जो कि आपको हैलोजन बेस और येलो कैबिन लाइट मिलने वाली है। अगर इसके बात करें सनवाइजर्स की, सनवाइजर्स आपको यहाँ पे डिसेंट साइज़ के मिलने वाले हैं और यहाँ पे वैनिटी मिरर भी आपको प्रोवाइड किया गया है को पैसेंजर के लिए। इस गाड़ी में आपको अच्छी खासी हाइट फील होगी क्योंकि देखिए मेरी हाइट जो 5'8" है और इसमें मेरे को अच्छी खासा हेडरूम मिलने वाला है। साथ में आप देख सकते हैं इसका बोनेट भी आगे विजिबल है तो मतलब ये हमारे ड्राइव एक्सपीरियंस को और ज़्यादा ही अच्छा इन्हांस कर देता है, बना देता है। अब आगे की बात करूँ यहाँ पे आपको कुछ डिसेंट साइज़ की स्पेस मिल जाती है जो कि इस कार को अच्छा फील देता है। अगर इसके देखते हैं ग्लव बॉक्स को तो ग्लव बॉक्स किसी भी तरीके कूल या लाइट आपको प्रोवाइड नहीं करेगी बट एक डिसेंट साइज़ की स्पेस आपको दी गई है इसके अंदर में। सीट की जो कुशनिंग है वो अच्छी प्रोवाइड की गई है और इस पर आपको एक्सेसरीज़ के तहत आपको यहाँ पे कवर मिल जाते हैं। किसी भी तरीके के इसमें हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे भी अगेन मैं बात करूँगा क्रोम जो ऑरेंज कलर का यहाँ फिनिश दिया गया है जो कार को बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देता ज़रूर है। तो चलिए हम बात करते हैं गाड़ी के पीछे सीटिंग कैसा दिया गया, सीटिंग कम्फर्ट कैसा है और गाड़ी के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इस कार की अगर मैं बात करूँ पीछे की तरफ है तो पीछे की सीटिंग कंफर्ट आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर और आपकी हाइट भी अच्छी खासी इसके अंदर मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल्स एंड अगर आप देख बताऊँ मैं तो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट आप देख सकते हैं कितना अच्छा मिला है मुझे और ये कार की फ्रंट सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है और यहाँ पे मुझे नी रूम भी अच्छा खासा ही गाड़ी के अंदर मिल रहा है। तो मतलब अगर कम्फर्ट की बात करें तो इस कार के अंदर आपको कम्फर्ट की कोई कमी नहीं फील होने वाली है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगर डोर हैंडल को आप देखते हैं डोर पैनल को तो आपको यहाँ पे भाई आपको फुल ब्लैक कलर में आपको मिलने वाला है। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है और आपको एक बोतल होल्डर भी इसमें अंदर मिल जाता है, डिसेंट साइज़ का है बोतल होल्डर। आप सेंटर में अगर देखते हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हमारे पावर विंडो के कंट्रोल्स पीछे की सीट पीछे के लिए और यहाँ पे एक डिसेंट साइज़ का छोटा सा स्पेस मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे अच्छी चीज़ मिलने वाली है जिसका नाम मतलब USB 2 के सॉकेट मिल जाते हैं। अगर आप इसकी गाड़ी के पीछे के यहाँ पे देखते हैं हेडरेस्ट को तो किसी भी तरीके एडजस्टेबल नहीं है ये पूरी तरीके से बट ये कहूँगा मैं हाँ गाड़ी की सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब मैं चलता हूँ पीछे की तरफ आपको दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस कितना ज़्यादा आपको गाड़ी में मिल जाता है। सो गाड़ी के अंदर आप खोलते हैं इसके बूट को आप दिखाते हैं कि आपको कितना ज़्यादा बूट स्पेस के अंदर गाड़ी के अंदर मिल रहा है। तो गाड़ी के पीछे आपको यहाँ पे मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है भाई 5-6 लाख की गाड़ी के अंदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है जो कि गाड़ी के बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको एक पार्शियल ट्रे मिल जाती है जो कि अच्छी डिसेंट साइज़ की पार्शियल ट्रे है। आप गाड़ी के बूट स्पेस देख सकते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है टोटल 315 लीटर का बूट स्पेस और आप देख सकते हैं इसकी गहराई कितनी अच्छी खासी दी गई है। सो अगर मैं इसके नीचे की तरफ आपको दिखाता हूं तो आपको इसमें 165/80 का R14 का स्टील रिम टायर मिल जाता है स्पेयर व्हील की तरीके से जो कि 1 इंच कम है हमारे मेन वायर टायर से। ये था कुछ हमारा रिव्यू सीट्रॉन C3 के बारे में। तो अगर आप इस गाड़ी को बुक करना चाहते हैं लखनऊ में इसकी ऑन रोड प्राइस शुरू हो जाती है आपकी 6 लाख से लेकर और 9 लाख के बीच में आपकी ऑन रोड प्राइस में आपको मिल जाएगी। ये गाड़ी आपको अच्छा वैल्यू फॉर मनी आपको पैकेज देने की कोशिश करेगी। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी हैचबैक गाड़ी आप लेना चाहते हैं और अच्छी स्पेस के साथ लेना चाहते हैं कम्फर्ट के साथ में तो आप C3 को एक बार कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि ये कार मुझे अपने मायने में बहुत ज़्यादा अच्छी फील हुई है। अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ लखनऊ में आपका इसका एक ही आउटलेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि पड़ता है आपका फैज़ाबाद रोड पे। हमारे से वीडियो में साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।